अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन जो बाइडेन की जीत पक्की मानी जा रही है। हालात ये है कि ट्रंप को हार के करीब देखते ही अमेरिका में बवाल होने लगा, ट्रंप की हार की वजह तलाशी जाने लगी। हम भी आपको ट्रंप की हार की असली वजह दिखाने जा रहे हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि हार के बाद ट्रंप न सिर्फ व्हाइट हाउस छोड़ेंगे बल्कि वो अमेरिका भी छोड़ने की तैयारी में है। ऐसा क्यों, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारों से अमेरिका के सत्ता पर काबिज हुए ट्रंप डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से पिछड़ गए। जीत के दावे के साथ ही हार की कगार पर आ गए। आखिर ट्रंप की कुर्सी जाने का कारण क्या है? ट्रंप की नीतियों ने अमेरिकन्स की ग्रेट अगेन की उम्मीदों को ठेस पहुंचाई है या मेक अमेरिका का दावा हवा हवाई साबित हुआ है? कहां हुई ट्रंप से चूक और कुर्सी गंवाकर उन्हें क्यों छोड़ना पड़ेगा अमेरिका? हम आपको अमेरिका में बदलाव की कहानी लिखने वाली जनता की किताब का एक एक पन्ना पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ट्रंप की हार से शुरू हुए अमेरिकी बवाल का चैप्टर देखिए। काउंटिंग पर बवाल, जीत पर सवाल। जो बाइडेन और ट्रंप की हार जीत के फैसले पर आखिरी मुहर लगनी बाकी है। बाइडेन आगे हैं, ट्रंप पीछे हैं, लेकिन ट्रंप ने काउंटिंग में फ्रॉड रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। इसलिए नतीजों के बाद की कानूनी स्थिति से निपटने के लिए ट्रंप और बाइडेन अपनी अपनी फौज के साथ तैयार हैं। अमेरिकन्स मान रहे हैं कि ट्रंप ने बयान से जो संकेत दिए वो चुनाव में हार के बाद भी आसानी से व्हाइट हाउस न छोड़ने की जिद है, लेकिन अमेरिका छोड़ने का वादा कर चुके ट्रंप के लिए ये मुश्किल है। ट्रंप का वादा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ट्रंप की कुर्सी जाने की वजह देखिए। किसने छीनी कुर्सी, ट्रंप का दुश्मन कौन? सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन में रोजगार और अर्थव्यवस्था पर ट्रंप को घेरने वाले जो बाइडेन की भविष्य की नीतियों से अमेरिकन्स का मन बदल गया, या फिर ट्रंप के दौर में नीतियों की सख्ती, विश्व मंच पर युद्ध के मुहानों ने ट्रंप को कुर्सी से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई? ये वो कारण है जिन पर नतीजे पूरी तरह से घोषित होने के बाद विचार विमर्श जरूर होगा, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप का असली दुश्मन इनमें से कोई साबित नहीं होगा, क्योंकि जो हालात ट्रंप के पक्ष में थे उन्हें ट्रंप के प्रतिकूल बनाया है एक चाइनीज वायरस ने। ट्रंप का दुश्मन कोरोना, वही जो चीन में बना। ट्रंप की कुर्सी जाने की असली वजह ना तो श्वेत और अश्वेतों के बीच शुरू हुए नए संघर्ष की कहानी है, ना गन कल्चर है, और ना ही ट्रंप की विदेशी नागरिकों के लिए बनाई गई नीतियां हैं, बल्कि ट्रंप की कुर्सी जाने की असल वजह है कोरोना वायरस और उसका उत्पादक चीन। कोरोना वायरस ने अमेरिका में हालात पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा खराब किए। इस एक वायरस के कारण ट्रंप नीतियों की बिसात पर विफल माने गए। अर्थव्यवस्था के मुहाने पर भी अमेरिका में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई और रोजगार का आंकड़ा गिरता चला गया, जो डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए मुद्दे बने और ट्रंप को नुकसान हुआ। चीन और कोरोना वायरस का कनेक्शन पिछले 9 महीनों में अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए अभिशाप बन गया। कोरोना के कारण अमेरिका ने चीन को विलेन बनाया। ट्रंप के टारगेट पर चीन की विस्तारवादी नीतियां आईं। इलेक्शन कैंपेन में भी ट्रंप ने चीन को टारगेट किया, राष्ट्रपति जिनपिंग को सबक सिखाने का दावा किया। ट्रंप ने प्रतिद्वंदी बाइडेन को चीन का समर्थक बताया, कई सभाओं में बाइडेन को चीनी एजेंट साबित किया, लेकिन ट्रंप ने चीन के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। अमेरिकन्स के दिमाग में चीन को विलेन के तौर पर उतार तो दिया गया, लेकिन चीन के खिलाफ एक्शन में ट्रंप की कार्रवाई और बाइडेन पर आक्षेप ने ट्रंप को कमजोर कर दिया, और रही सही कसर चीन में जन्मे कोरोना वायरस ने पूरी कर दी, जिससे निपटने में ट्रंप पूरी तरह फेल हुए। इसलिए जब मतदान हुए तब अमेरिकी जनता ने ट्रंप की हर बात याद रखी। जो ट्रंप के अधूरे दावों से प्रभावित रहे उन्होंने ट्रंप को चुना, लेकिन अफसोस कि दावों से प्रभावित होने वालों की तादाद बाइडेन के समर्थकों से कम निकली। अब बाइडेन व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे या नहीं, इसका फैसला कुछ घंटों में हो जाएगा, और अगर वो व्हाइट हाउस में काबिज होते हैं तो फिर ट्रंप को न सिर्फ व्हाइट हाउस छोड़ना होगा बल्कि वो अमेरिका से भी विदा लेंगे। नतीजों में क्या होगा, ट्रंप छोड़ेंगे अमेरिका?
But I never joke about it. I mean, I don't think it's necessary. ट्रंप हार के बाद अमेरिका छोड़ेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं। लेकिन ट्रंप अपनी जुबान पर काबिज रहे तो मुमकिन है उन्हें उस मुल्क को त्यागना पड़े जिसे वो फिर से ग्रेट बनाने का सपना देख रहे थे, क्योंकि ये ऐलान खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जॉर्जिया में किया था, वो भी उस जनता के बीच जिससे उन्हें भले ही पूरा बहुमत ना मिले लेकिन बहुत कम भी नहीं मिला। पहले ट्रंप का ऐलान सुनिए। ट्रंप जॉर्जिया में अपने इलेक्शन कैंपेन में जीत की उम्मीद के साथ इतना बड़ा ऐलान कर रहे थे, लेकिन किस्मत कमजोर निकली। जिस चीन के कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप बाइडेन को टारगेट कर रहे थे, उस चीन के खिलाफ ट्रंप ने बाइडेन के लिए पूरा मैदान सजा दिया। ट्रेड वॉर के साथ सैन्य युद्ध तक की प्लानिंग हो चुकी है। अमेरिकी सेनाओं ने चीन के चारों तरफ घेरा डाल रखा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक व्हाइट हाउस के बॉस बाइडेन होंगे और ऑर्डर भी वही देंगे। टारगेट फिर ग्लोबल विलेन चीन होगा, लेकिन फायदा मिलेगा सुपर पावर अमेरिका के न्यू सुप्रीमो बाइडेन को। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।